यूपी के मैनपुरी में नए शादीशुदा जोड़े ने घर ना जाकर वृद्ध आश्रम पहुंचकर अनोखी मिसाल कायम की है। विदाई के बाद वर और वधु सीधे वृद्ध आश्रम पहुंचे और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वर वधु ने बुजुर्गों के साथ न सिर्फ वक्त गुजारा बल्कि उन्हें तोहफे दिए और उनकी दुआ लेकर नई जिंदगी का आगाज भी किया। दूल्हा और दुल्हन का कहना है कि जिन्होंने हमें जीवन दान दिया उन्हें बुढ़ापे में बेघर करना पाप है। समाज में फैल रही इस बुराई को जड़ से जल्द खत्म करना होगा। हम लोग पहले भी आते रहे हैं और हर बार आते हैं, तो आज हमारी शादी हुई है तो पहले घर नहीं पहुँचते हुए पहले यहाँ पे आए हैं। जो अन्य लोग जो यहाँ पे रहते हैं बिना अपने परिवारजनों के, तो उनको अपना परिवार समझते हुए यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये हमारे पापा बहुत पहले से ही सेवा इसमें जुड़े हुए हैं और हर साल हम शादियाँ भी करते हैं गरीब बहनों की, तो उसी तरीके से हमारा चलता हुआ आ रहा है, उसी में एक और प्रयास है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया है, उसमें ये मेरा छोटा सा बहुत अच्छा परिवार बना है जो मैंने आज स्टार्ट किया है। मैनपुरी के ग्राम नगला अनूप के रहने वाले जय गुरुदेव पेशे से होमगार्ड हैं और इंसानियत के लिए काम करते आए हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज के बिल्कुल साधारण तरीके से कराई ताकि समाज में फैल रही दहेज जैसी प्रथा खत्म हो सके। 4 मार्च को बारात आई थी, 5 मार्च को हमको जो है बहू घर ले जानी है, तो शादी संपन्न हो चुकी है। उसके बाद ये कार्यक्रम रखा बुजुर्गों के सम्मान का, बुजुर्गों से आशीर्वाद के लिए, तो वस्त्र वितरण कार्यक्रम प्लस भोजन। जय गुरुदेव का कहना है कि उनको ये प्रेरणा संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक और समाज सेवी धर्मवीर राही से मिली, जो अब तक 151 गरीब लड़कियों की शादी बिना किसी सरकारी मदद के जन सहयोग से करा चुके हैं। और एक नई परंपरा इस सामाजिक बढ़ती कुरीतियों के बीच में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है, और कह सकते हैं कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है। आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाई युग तक आभारी होता है। तो वर वधु ने यहाँ आशीर्वाद लिया और बुजुर्गों को अंगवस्त्र भेंट किए हैं। समाज सेवी धर्मवीर राही के संपर्क में आने के बाद ही जय गुरुदेव की सोच में बदलाव आया है। ऐसा बदलाव हमें अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापे जैसे 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे बुरी अवस्था बुढ़ापा है। इसी बुढ़ापे में बच्चे बुजुर्गों को कामयाबी की रुकावट समझकर घर से बाहर कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और बुजुर्गों के साथ हो रहे अन्याय को बंद किया जाए।